हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप भी पनीर लवर हैं तो इस पनीर की रेसिपी को देख लीजिए और 5 मिनट में बना लीजिए पनीर नगेट्स, क्योंकि इसे बनाने में मुझे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो पनीर नगेट्स बनाने के लिए मैंने ले लिया है 200 ग्राम पनीर, 2 बड़े चम्मच मैदा, 4 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले पनीर को टुकड़ों में काट लेना है। तो सारे पनीर को टुकड़ों में काट लिया है मैंने। अब मैदे को घोल लेना है, थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालना है क्योंकि गाढ़ा घोल चाहिए हमें, ज़्यादा पतला घोल नहीं चाहिए। तो मैदे को इतना ही गाढ़ा रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि पनीर पर इसका कोट करना है। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो पनीर पर कोट नहीं हो पाएगा। अब इसमें डाल देना है 1/2 छोटा चम्मच नमक। अब नमक डाला है तो इसको एक बार और घोल लेते हैं। इसको रख देते हैं साइड में और पनीर पर मसाले डाल लेते हैं। 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। कोशिश ऐसे करें कि इस तरह से डालें। 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। मैं 1/2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। एक बार मैदे को और मिक्स कर लेंगे पनीर डालने से पहले। अब एक एक टुकड़ा पनीर का ले लेना है, इसमें डिप करना है, अच्छे से करना है डिप। इस तरह से डिप करके ब्रेड क्रम्स में डालकर कोट कर देना है इस पर अच्छे से, और इनको एक एक करके सारे ही इस तरह से कोट कर लेने हैं पनीर के टुकड़े, और अलग से एक प्लेट में रख लेना है। तो सारे पनीर के पीसेस को मैदे और ब्रेड क्रम से कोट कर लिया है मैंने। अब इसको डीप फ्राई कर लेना है। तो पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है पैन, और उसमें ऑयल डाल दिया है। इतना ऑयल डालना है जितने में कि पनीर जो है डीप फ्राई हो जाए। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना पहले। तो ऑयल में से अच्छी हीट आ रही है, ऑयल गर्म हो गया अच्छे से। अब इसमें डाल देने हैं पीसेस। मीडियम से हाई फ्लेम पर ही करना है फ्राई, इसको लो फ्लेम पर ना करें। अभी इतने ही डाल दिए हैं। आधे मिनट के बाद पलटा देने हैं सारे पीसे। बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाएंगे ये। आधा मिनट हो गया है पलटाए हुए, अब इनको निकाल लेना है क्योंकि इतने ही टाइम में ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। अब मैं इनको निकाल रही हूँ प्लेट में। तो सारे पनीर को मैंने डीप फ्राई कर लिया है, अब इसको सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बना के तैयार कर लिए हैं मैंने सारे पनीर नगेट्स। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं ये। एक पीस आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। हर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनने वाले, खाने में इतने टेस्टी, बनाने में तो 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए। और रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।